अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जिस सर्विस के बारे में मैं आपको गाइड करने लगा हूँ वो है यूट्यूब मोनेटाइजेशन। यूट्यूब मोनेटाइजेशन करते वक्त बहुत सारे लोगों को मालूमात पूरी नहीं होती, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ों के बारे में मैं गाइड करने लगा हूँ, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है जब भी आपने प्रमोशन या मोनेटाइजेशन की तरफ जाना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका कंटेंट कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। आपका कंटेंट किसी भी तरह का हो उससे मसला नहीं होगा जब तक के वो किसी और का कॉपी ना हो। अगर आपने किसी और का कंटेंट, वीडियो, साउंड, कोई भी चीज़ कॉपी करके उसको अपनी वीडियो के अंदर पोस्ट किया है, एडिट किया है, वो जब कभी भी ट्रेस हो जाएगी, रिपोर्ट होगी, उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए उस नुकसान की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपने वीडियो जो भी लगानी है वो वीडियो कॉपीराइट फ्री हो, किसी बंदे का और मटेरियल नहीं होना चाहिए। नंबर दो चीज़, ये वीडियो की जो लेंथ है वो कम से कम 10 मिनट की होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसे टूल्स और ऐसी टेक्निक यूज़ करता हूँ कि अगर हमारे पास 10 मिनट से कम की भी वीडियो हो तब भी हमारे लिए कोई उसमें मसला नहीं है, हम उसको अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं और चैनल को प्रमोट कर लेते हैं। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप की चैनल की प्रमोशन हो रही हो मोनेटाइजेशन के हवाले से और उसके ऊपर वर्किंग हो रही हो, तो आपने किसी भी वीडियो को ना तो एडिट करना है, ना चेंज करना है, ना उसमें किसी किस्म की अपग्रेडेशन करनी है जब तक के उसकी प्रमोशन कंप्लीट ना हो जाए। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और समझने वाली है वो है आपके अकाउंट का टाइटल। जब तक आपके अकाउंट का टाइटल अच्छा नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, उसमें भी चैनल को ग्रोथ होने में मसले मसाइल होते हैं। और जब प्रमोशन आप करवा रहे होंगे, मोनेटाइजेशन के हवाले से वर्किंग कर रहे होंगे, तो चैनल का नेम आप बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना है। और जो आपने रख लिया चैनल का नेम उसको आपने कभी भी तब्दील नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। आपने उस चैनल को जब प्रमोशन करवा रहे होंगे उस वक़्त भी नहीं चेंज करना और प्रमोशन करवाने के बाद भी उसको चेंज नहीं करना। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। आप इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो चैनल आपका अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाएगा, उसमें नेचुरल ग्रोथ आएगी और